हेलो दोस्तों, मैं भावना गौतम आपका स्वागत करती हूँ आपकी खुद के चैनल में जीआर क्राफ्ट में, और अपना भी स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि हम अपने जीआर क्राफ्ट में आपको नई नई क्रिएटिविटी आप अपनी दिखाएंगे और नई नई पेंटिंग्स, क्ले आर्ट सबको सिखाएंगे। तो आज हम अपना नया शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि चैप्टर वाइज आप लोगों को चीज़ें सिखाएंगे, उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है वेस्ट टू वंडर, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें शो भी करी थी कि हम किस तरीके से वेस्ट से नई नई चीज़ें बना सकते हैं। तो हमारा लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था, हम पॉइंट पे आते हैं सीधा। लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था कि मैं आज आपको अपनी वीडियो में सॉप डिस्पेंसर आपको बनाना सिखाऊंगी। तो सॉप डिस्पेंसर लाइक दैट, इस तरीके का सॉप डिस्पेंसर होगा जो जनरली हम मॉल से लेकर आते हैं और 2 या 3 के पैक में वो आता है, और जब वो ख़त्म हो जाता है तो हम उसको डंप कर देते हैं, या फिर मार्केट से हम रिफ़िल लाते हैं और रिफ़िल उसमें फिल करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। पर जनरली वो सिंपल ही होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। और आज के डेट में दोस्तों ऐसा है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि कुछ भी हम लोग अपने घर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो अट्रैक्टिव हो, हमारा उससे घर सुंदर लगे। हम कोई भी एरिया अपने घर का लेते हैं तो वो अट्रैक्टिव लगे। तो लाइक चाहे वो वास्तुशन एरिया ही क्यों ना हो, तो वास्तुशन में भी हम लोग सोप होल्डर, डिस्पेंसर, ब्रश रखने का ब्रश होल्डर, सब कुछ हम सुंदर से सुंदर लाते हैं मार्केट से। मॉल में सब कुछ अवेलेबल होता है, बट अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों की खुशी ही अलग होती है। तो जो आज मैं आपको सिखा रही हूँ, एक तो इस पर हम अपना आर्ट करेंगे, एंड सेकेंड मैं आपको एक थिंग दिखाती हूँ जिसके बारे में, सॉप डिस्पेंसर के बारे में जनरली मुझे लगता है कि अभी तक मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है। ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है जिसको हम सॉप डिस्पेंसर में कन्वर्ट करेंगे, और मे बी फर्स्ट टाइम मैं भी बनाऊँगी तो बहुत अच्छा सा बने, सुंदर सा कुछ बने जिसको हम घर में रख पाएँ। अब आप सोचेंगे कि इसमें कैप होता है तो इसमें वो पुशिंग कहाँ से आएगा पाइप। तो ऐसा दोस्तों, मेरी बेटी है छोटी, तो मेरे पास इस तरीके की काफ़ी सारी बॉटल्स होती हैं, शैम्पू बॉटल भी ऐसी आती है और ये लोशन बॉटल भी आती है। तो जनरली मैं इन बॉटल्स का ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव बना लेती हूँ और बनाया भी है काफ़ी, तो उसमें ये पूरा काम आ जाता है। नहीं तो उसका कोल्ड ड्रिंक का कैप इसमें यूज़ कर लेते हैं, या फिर इसका कैप कोल्ड ड्रिंक में यूज़ कर लेते हैं। अभी एक बॉटल थी शैम्पू की, वो टूट गई थी तो उसका ये बच गया था, तो इस मुझे लगा कि शायद मैं इस तरीके से इसका सोप डिस्पेंसर बना सकती हूँ, और ये अच्छे से इसमें फिट भी हो गया, ये अच्छे से इसको वर्क भी कर रहा है। तो हम लोग ये बनाएंगे, और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि आज जो मैं आपको जो सोप डिस्पेंसर का डिज़ाइन बना रहे हैं हम लोग, वो शो कर देती हूँ आपको, और फिर उसके बाद कि बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शो करती हूँ आपको कि आज हम इस तरीके का सोप डिस्पेंसर बनाएंगे, ये वाला, ये वेस्ट था, ये वाला सॉप डिस्पेंसर वेस्ट है जिसको मैंने अट्रैक्टिव बनाया है। और ये दोस्तों ये जनरली वो पतंजलि की वो बॉटल शहद वाली बॉटल आती है, उसी को मैंने अट्रैक्ट करके इसमें ये ब्रश होल्डर बनाया है। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था ये वाला। तो ये जनरली दोस्तों मुझे इसको 3 से 4 साल हो चुके हैं, मैं इसको कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ, मेरे एक बाथरूम में ये कंटिन्यू यूज़ हो रहा है, बस इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है बिकॉज ऑफ मैंने इसमें जो कलर यूज़ किए हैं या फिर जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। बस हाँ, थोड़ा सा इसमें अभी जा करके, ये बच्चे मेरे छोटे हैं तो वो यूज़ करते हैं गलत तरीके से, तो इसका यहाँ से ये कलर हट गया है, तो इसीलिए मैंने आपको ये शो किया है। इस तरीके के 4-5 बनाए हुए हैं जो लिप में भी काफ़ी लोगों को पसंद आए हैं, तो इस तरह ये मैंने आपको इसी वजह से शो किया है कि आपको मैं बता पाऊँ कि 3 से 4 साल के बाद भी इस तरीके की चीज़ें हम आपको सिखाएंगे कि वो लंबे समय तक आपके घर में रहेंगी और सुंदर लगेंगी, जिससे हम बोर भी नहीं हो पाएंगे। नहीं तो कई बार होता क्या है कि हम बोर हो जाते हैं। सॉरी कैमरा, क्योंकि एक तो है ना मुझे, मैं अकेले बना रही हूँ तो थोड़ा सा कैमरा सेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, आपको दिख रहा है? एक मिनट प्लीज़ सॉरी। अब अच्छे से शो हो रहा है ना? हाँ, अब अच्छे से दिख रहा है। बड़ी मुश्किल से सेट किया है, एक तो बैठ के सिखाना पड़ता है तो हाइट नहीं है,
दोस्तों इसके लिए हमें जो आज हम से सिखा रहे हैं, इसके लिए हमें जो चाहिए, इसके लिए हमें रफली फाड़े हुए पेपर्स चाहिए। ये मैंने अपने बेटे की नोटबुक है, रफ नोटबुक है, वो यूज़ करती हूँ मैं इसके लिए। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से जल्दी। इस तरीके से मैंने ये पेपर लिया है, इस पेपर को मैं रफली इसको छोटे छोटे से टुकड़ों कर लूँगी इस तरीके से। कैसे भी, जैसे ये पेपर है, आपने पेपर लिया, इसको फाड़ लिया, इसमें लंबा छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखना है, बस आप छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लीजिए। ये टुकड़े करेंगे तो ये क्यों करवा रही हूँ, इसके पीछे भी एक कारण है, वो मैं आपको बता ही देती हूँ कि अगर हम इस पर डायरेक्ट कलर करते हैं, एक्लेरिक करते हैं या इनेमल करते हैं, कोई सा भी करते हैं, तो क्या लंबे समय तक चल नहीं पाता, क्योंकि ये जर्नली कंटिन्यू मॉइस्चर जहाँ पर होता है वहाँ रहता है और पानी से कुछ ना कुछ टच होता रहता है इसका, तो ये जल्दी इसका कलर हट जाता है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हर आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से थोड़ा सा अलग होता है बिकॉज ऑफ अपने अपने माइंड क्रिएशन की वजह से। तो मैंने भी पहले डायरेक्ट यूज़ किया था, वो ख़राब हो गया था, तो मुझे लगा शायद मैं इस तरीके से करूँगी तो ये अच्छा होगा। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से इसको रफली छोटे छोटे टुकड़े फाड़ लिए हैं इसके, और अब हम इजी से इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। इसके लिए जो मैं आपको बता रही हूँ कि लंबे समय तक हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसी को मैं बताती हूँ। आपके पास अगर चोक मिट्टी अवेलेबल हो, चोक मिट्टी आती है हार्डवेयर की शॉप पे, जनरली मिल जाती है। कॉर्नफ्लावर हो, अरारोट हो, मैदा हो या आटा हो, कुछ भी आप ले लीजिए, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाए वो। मेरे पास ये है, ये अभी वीडियो की वजह से मैंने जल्दी ही थोड़ा सा घोल के रखा था, जिससे कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। तो मैंने अभी ये कॉर्नफ्लावर लिया है, मेरे पास कॉर्नफ्लावर रखा था, चॉक पाउडर अभी मेरे पास ख़त्म हो गया था, मुझको जाना है। फिर चॉक पाउडर क्या थोड़ा सा हार्ड होता है, उसमें अलग तरीके का फेविकॉल गोंद मुझे मिलाना पड़ता है, इसमें हम डायरेक्ट सिंपल फेविकॉल मिला सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लावर लिया है, जनरली मैंने घोला हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया था, और इसमें मैंने ये सिंपल वाली फेविकॉल जो आती है वो इसमें मैंने मिलाया है। हाँ, इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया, पानी मत मिलाइएगा प्लीज़। तो ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने हालांकि घोल बनाया हुआ है पहले से। तो इस तरीके से ये घोल हम बना लेते हैं, और इस घोल की जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो बिल्कुल जैसे हम मेहंदी घोलते हैं या कीप में जो मेहंदी आती है उस तरीके से होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मे बी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मुझे इसके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रिपरेशन में भी ना टाइम लगता है, और फिर जब हम इसमें कलर करते हैं या ये चीज़ें सुखाते हैं तो लंबी वीडियो हो जाती है, और वो जर्नली आप लोग भी नहीं देख पाते हैं, या फिर कई लोग होते हैं जो पसंद नहीं करते हैं। तो मैं इसके 2 पार्ट लूँगी। फर्स्ट पार्ट में मैं इसको जल्दी से जल्दी किस तरीके से हमें करना है वो सिखा देती हूँ, और फिर सेकंड पार्ट में भी कि मैं इसी के तुरंत बाद ही अपनी सेकंड वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो इसमें दोस्तों हमारा ऐसा है कि हमने जो ये घोल बनाया था, ये सिंपल सा हमने डिस्पेंसर लेना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस साफ़ जो डस्ट है उसको साफ़ करके इस तरीके से कागज है इसको डिप नहीं करना है, बस इस तरीके से जैसे हम फेविकोल लेते हैं इस तरीके से रफली कहीं पर भी आप इस तरीके से इस पर चिपकाते चले जाइए, इसको फुल कवर करना है हमें। मैं जल्दी से जल्दी ये बना देती हूँ, ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो। तो सेकंड पार्ट में मैं इसको आपको कंप्लीट बनाना सिखा दूंगी, क्योंकि आधा मैं इसको बना के रखूंगी, जिससे कि आप इजीली सीख पाएंगे और जल्दी, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने सोचा है कि 2 हफ्ते के अंदर जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है वेस्ट टू वंडर, इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको सिखा पाऊँगी उतनी सिखा दूँगी, और अगर हम वीडियो के 2 पार्ट्स करेंगे तो हम ज़्यादा जल्दी और अच्छे से बहुत सारी चीज़ें हम सिखा पाएंगे। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से दोस्तों हमें इसको ये कागज़ चिपका देना है। ये इसलिए मैं चिपका रही हूँ कि इसके ऊपर ये सूखने के बाद जब हम कलर करेंगे तो एक तो ये हार्ड होगा, और हार्ड सिंपल आप एक्रेलिक कलर कर सकते हैं, आपको कोई भी इनेमल कलर लाने की ज़रूरत नहीं है,
अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ घर में बच्चों के साथ अवेलेबल होती है वो। एक्रैलिक कलर इसलिए क्योंकि एक्रैलिक कलर थोड़ा सा सर्वाइव कर जाएंगे पानी में, बट हाँ जो बच्चों के वाटर कलर होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको रफली चिपका देंगे। हम इस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में भी इसी तरीके से सारे ये जो पेपर कट किए हैं इसमें डिप करेंगे, घोल में, जो हमने घोल बनाया है। मैं इसको कंसिस्टेंसी तो आपको दिखाया नहीं है, इस तरीके से इसका घोल होना चाहिए, लम्स नहीं हो। बस इतना ध्यान रखना है पानी नहीं मिलाना है, सीधा फेविकोल मिलाना है। चाहे आप आटा लीजिए, चाहे आप चॉक पाउडर लीजिए, मैदा लीजिए, कॉर्नफ्लावर लीजिए, कुछ भी आप लीजिए डायरेक्ट। बस इस तरीके से कागज हैं जो आपको चिपकाने हैं। ये सारे कागज चिपकने के बाद तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपनी पूरी बॉटल पर इस तरीके से पूरा पेपर चिपका लेंगे। और ये चिपकाने के बाद इसको कुछ समय के लिए हम ऐसे ही रख देंगे। आप थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो ये है कि आपका कुछ कपड़ा ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से आप ये देखिएगा, जैसा हमने ये पूरा रफली, कुछ ऐसा इसमें ये नहीं है कि इसको कटिंग को ऐसे चिपकाना है वैसे चिपकाना है, बिल्कुल रफली आप इसको कागज़ को चिपका लीजिएगा। हाँ, इसी तरीके से मैं इस बॉटल को भी रेडी करूँगी और ये बॉटल भी मैं आपको जल्दी से जल्दी तैयार करके आपको सेकंड में भी सेकंड वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सूख भी जाएगा और हमें टाइम भी मिल जाएगा। इसको सूखने में आई थिंक एक घंटा लगेगा, क्योंकि ये कॉर्नफ्लावर है तो कॉर्नफ्लावर आई थिंक जल्दी सूखता है। तो एक चीज़ और इसके साथ क्या करनी है दोस्तों, कि जब हम इसको पूरा कागज़ से इसको कंप्लीट हम चिपका देंगे तो इस पर रफली, अभी मेरे पास अभी मैं हाथ से ही काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे दोबारा उठना पड़ेगा तो वो चीज़ नहीं है। इस तरीके से हमने सिंपल, हाँ बस इसमें इतना ध्यान रखना है लम्स ना हो, इसको सिंपल हम इसको स्मूथ कर लेंगे। क्योंकि स्मूथ करने के बाद एक तो जब हम इस पर मिरर वर्क करेंगे और जो कलर करेंगे वो बिल्कुल स्मूथ आएगा, तो फिर ये लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। थोड़ा जनरली हम इसको चॉक पाउडर से कर सकते हैं, बट चॉक पाउडर में थोड़ा एक तो लम्ब आ जाता है और हार्ड होता है। चॉक पाउडर के लिए अभी हमारे पास बहुत सारा आर्ट है, जब हम आगे इसको सिखाएंगे तो ये मैं आपको करके बता देती हूँ। फिर इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट आपको शो करेंगे, फर्स्ट पार्ट यहीं पर हमको स्टॉप करना होगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो चुका है तो और इसको सूखने में भी टाइम लगेगा। तो बस और कुछ था नहीं एक्चुअली, नहीं तो मैं एक आधा रेडी करके आपके लिए रखती, बाकी सारे थे मैंने बना के दे दिए, डिमांड्स आई थी तो रखे हुए थे। कुछ मेरे नेबर्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं तो उनको मैंने बना के दे दिए थे, तो इसलिए सिर्फ सिंगल पड़ा रखा हुआ था मेरे पास। और तो कोई नहीं, इसके लिए भी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सेकंड वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये। और इसके साथ साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो में इतना अच्छा अच्छा वर्क आपको सिखाएंगे कि शायद आपको अच्छा लगेगा, शायद नहीं आपको कन्फर्मली बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पूरा इसमें बस लम्स नहीं हो इतना ध्यान रखना है, क्योंकि लम्स होने के बाद इससे मिरर और मोती अच्छे से चिपक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हाथ भी मेरे गंदे हो गए हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको सूखने के लिए अभी टाइम चाहिएगा, तो टाइम हमें इसको देना होगा। और आप इसको अच्छे से रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको एयर टाइट जार में रखते हैं, बॉक्स में रखते हैं, तो ये हफ्तों तक ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ फेविकोल है, पानी नहीं है, तो इसलिए ख़राब नहीं होगा। चाहे वो आटे का भी आप लोग बनाते हैं तो वो भी ख़राब नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो बाय तो मैं आपको नहीं बोलूँगी क्योंकि हमें अभी ही तुरंत ही सेकेंड वीडियो भी बनानी है। तो ठीक है दोस्तों।